धूम्रपान करने से कर्क रोग हो सकता है, इससे आपकी मौत भी हो सकती है। स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, स्मोकिंग किल्स। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। लिकर ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगर हम टूटे हुए घरों में रहते हैं और गंदे कपड़े पहनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग अछूत हैं। हम मंदिर में पूजा नहीं कर सकते तो क्या हम ऐसे ही गुलामों की जिंदगी जीते रहेंगे? इसीलिए हम सबको मिलके इसके बारे में जल्द ही कुछ करना चाहिए। इसीलिए आप लोगों के लिए हम यहाँ एक स्कूल बनाएंगे, बच्चों के भविष्य के लिए। हम भले ही अनपढ़ रह गए हों पर हमारे बच्चे जरूर पढ़ेंगे। उन ऊंची जात वालों को हम करारा जवाब देंगे, तो उसके लिए हमें एकजुट होकर उनसे लड़ना होगा। इंसान इंसान होता है, ऊंची या नीची जात का नहीं। वो कौन होता है हमें मंदिर में जाने से रोकने वाले? ये कड़ा कोई निशानी है जिसे पहनने से आदमी ऊंची जात का बन जाए? किसने बनाए हैं ये नियम? अगर मैं इस कड़े को अपने पैर में पहन लेती हूँ तो क्या मैं भी उन जैसी बन जाऊंगी? क्या मुझे मंदिर में जाने से कोई नहीं रोकेगा? हमें इस जातिवाद को खत्म करना होगा, वरना हम ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह जीते रहेंगे। केवल जाति के नाम पर उत्तराखंड में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, जिसमें मर्द, औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। हमने पूरे देश को हिला दिया है। अदालत में इस केस की सुनवाई चल रही है और अब अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि उसने मुल्जिम को मुजरिम करार दिया है। हेलो, हॉस्पिटल जाने के लिए टैक्सी चाहिए। रॉन्ग नंबर है। ये दास ट्रेवल्स है ना? ए, एक बार कहा ना रॉन्ग नंबर है, चल फोन रख। सुबह सुबह बोनी खराब हो गई है। चाय है क्या रे? हाँ है ना। ए, अपनी कार पे स्टिकर लगाया क्या दास ट्रेवल्स का? एक काम कर, पता और नंबर भी डाल ताकि पुलिस को आसानी हो जाए। अभी निकाल जाके उसको गधा कहीं का। भाई चाय लीजिए। हैं? दो दे। हे, क्या कर रहे हो भाई? देखो ना, ये हमेशा इंस्पेक्टर की वर्दी ले लेता है, मुझे कभी भी नहीं पहनने देता। चुप रहो, बच्चों की तरह लड़ते हो। अरे पिछले हफ्ते तो तू ट्रैफिक वाला बना था। अरे अरे क्या कर रहे? जातिवाद, हिंसा, उत्तराखंड में 40 लोगों की क्रूर हत्या। वाह, नॉर्थ इंडिया में अभी भी लोग जात पात के लिए जान ले लेते हैं। चाय पिएगा? ठंडी है बे। पांडिचेरी का एक पार्सल लखनऊ के रास्ते मलेशिया पहुंच रहा है और उसको पिकअप करने के लिए कोई आ रहा है। कौन आ रहा है बोल रहे है? हुँ।
वो यही आएगा ना? जी हाँ। नाम क्या है उसका? उसका कोई नाम नहीं है। वो कोई भगवान है क्या? है? भगवान कार नहीं चलाते। भगवान कार नहीं चलाया करते। ये कौन है और तुम्हें चोट कैसे लगी? पुलिस! दास भाई, अगर ये पार्सल ठीक टाइम पे नहीं पहुंचा तो किसी की जान चली जाएगी। तूने तो कहा था वो टाइम पर आएगा। किधर है वो? है? किसी को दिखा? अभी टाइम नहीं हुआ। क्या बोला? टाइम नहीं हुआ। अभी 10 सेकंड बाकी है। 10 गिनने तक कुछ भी हो सकता है। तुम सब क्या कर रहे थे भाई? वो बैग छीन कर लेगा और तुम लोग देखते रह गए। सारे आदमियों को इकट्ठा करो, जल्दी करो, जल्दी चलो। अब ये वही कार है ना? देख, हाँ वही कार है। देख देख भैया, वो लंबू चाय पी रहा है, जल्दी चलो पकड़ो उसे। हेलो, अबे जल्दी चलो, घेरो उसको, चलो। हाँ कहाँ आना है? ठीक 10 बजे SMS होटल पहुँचा। ओके 10 बजे पहुँचाऊंगा। कैसी है मेरी बच्ची? और वो पार्सल ठीक से ले आना। ओके ठीक है, बाय। पैसा तो मेरे पास नहीं है, इडली खाओगी? भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। तुझे तकलीफ क्या है दड़ियो? तेरे जैसे लंगूर पर काय को अपना टाइम खोटी करूं? चल बट अपने बॉस को भेज। दोस्ते से शुरू हुई रेस, 2-3-4 भाग जा तू प्यारे, 4-5-6-7 लग जाएगी तेरी वाट, 7-8-9-10 बहुत हुआ तेरा बस। उल्टी गिनती गिन लेना, उससे पंगा फिर लेना। को मुझे अपना टोको, टूटा सा मैं तारा, देखा सांगारा, खुद का मुकद्दर, लिखूं वो सिकंदर, हारा ना कभी मैं, जीती हर बाजी। मुझसे पंगा ना लेना, उल्टी गिनती गिन लेना, मुझसे पंगा ना लेना। I'm already for the moon. Take off on the new. Future, tum piche pade. Aaj hum aage to karte hain kitne ko. Mera aaj maine mujhko de de. Tujhko chhodunga, chhodunga, bolunga. अरे 3D फिल्म में कार ऊपर से ऐसा निकलता हूँ। आ
चलो अब एक फोटोग्राफ हो जाए। शकीला फोटो तो निकालो। ए जरा अच्छे से फोटो निकालना। सब लोग फोटो में आ रहे हैं ना। अरे क्या कर रही हो, जरा जल्दी करो ना। जल्दी करो ना, मैं कैसे दिखूंगी। अगर ये फोटो अच्छी आई ना तो मैं फेसबुक पे अपलोड करूंगी। अरे हेलो मां, थोड़ा लेफ्ट पे रहो, लेफ्ट पे। क्या कर रही हो, राइट हो रहा है। हां राइट राइट। बात मेरी हो ना जाए देरी, मारूंगा मैं तुझको दौड़ा दौड़ा, स्पीड में क्रेजी कर दूं ऐसी तैसी, मारा जो तुझे मैंने बोला बोला, दिल में जो भी मैंने वही किया, तेरे जैसे लाखों आए कुछ ना उखाड़ पाए मेरा। अबे वो हमारे पीछे आ गया, कौन किसके पीछे लगा मालूम नहीं पड़ रहा। पंगा लेना वो यही आया था। जा शटर बंद कर जल्दी। hey, वहां नीचे देख। रुक रहे। ये आवाज बंद कर। उधर जा, उधर जा। सात गाड़ियां थी, समझो चार लोग एक गाड़ी में हुए तो सात चौके 28 और दो तीन 10 24। कहाँ गए बाकी लोग। ओ, ब्लू गाड़ी तो गई थी ना पानी में। आओ ठाकुर। अरे बाप रे, पुलिस। ए, ड्रेस चेंज नहीं किया अब तक? शूटिंग खत्म हो गया भाई। एनी प्रॉब्लम ब्रदर? ओके नो झगड़ा, लो। अरे ये क्या? मेरा है, लाओ मुझे दे दो। अबे प्रसाद किधर है? प्रसाद? अच्छा ये कोड वर्ड है क्या? पिछली बार किसी ने टंगड़ी कबाब रखा था, अब टंगड़ी कबाब से। ए, अबे माल कहाँ गया? वो तो 10 बजे डिलीवर हो गया, टाइम का बहुत पाबंद हूँ मैं। ए, अपनी घड़ी दिखा इसको, देख 10:10 हो गए। अबे एक घंटे से तो हम तेरे पीछे लगे हैं। लेकिन अंधों की तरह। ये है मेरी फीस, ले जाना चाहते तो ले जाओ। लेकिन तुम्हें से चार का गेम बजा दूंगा। आज दिन क्या है? परसों दारू पी थी, कल भी पी थी, मंगलवार। चार का तो गेम बजा दूंगा। चलो कौन आ रहा है पहले तुम ही बताओ, किसको बुलाऊं? तुम लास्ट। ए, किधर से आ रहे? नाम बता। बली, बाहुबली। और फिर मैंने उसको देखा, और ये जो मैंने गाड़ी घुमाई है घूम के ट्रैक करके खड़ी हुई। हम तो इसकी बजाने के लिए लाए थे, ये तो हम सब का ही हॉर्न बजाने पर लगा हुआ है। और फिर एक की लग गई। अबे ये क्या कर रहा है? अरे भाई वो उसके लिए ना नोट गिन रहा है। ये उठा, अपने हाथ रखा, देखा ये पकड़ गाड़ी, देख अबे पकड़ ना, ये गाड़ी मेरी और ये यहाँ से ये गाड़ी आई, ये दोनों यहाँ तक पहुँचे, ये गई गाड़ी पानी में। अब उन फ्री क्लाइंट का काम छोड़ दिया, सीधा गया क्लाइंट को माल पकड़ा, पैसा लिया, निकल। क्यों छोड़ा? अब क्लाइंट एक एक लीटर पेट्रोल का हिसाब मांगेगा तो छोड़ेगा ही ना, अब उनका इज्जत है कि नहीं, समझे? हाँ उसके बाद तो 6 महीना हॉस्पिटल का एम्बुलेंस चलाया मैंने। हाँ एम्बुलेंस भी। अरे
अरे ग्रीन टी उसके लिए। अरे अभी इसने तो एक मिनट में पासा ही पलट दिया। इसमें हनी डाला है, ठीक है ना? बरोबर एकदम झकास। जाके खाना देख, कुछ जल रहा है। ये जलने की भूख आ रही है, तेरे को भी आ रही है ना? ए, तू जो पैसा कमाता है उसका करता क्या है? अबे जवाब देना। अभी इतना इमोशनल क्यों हो गया? मेरी एक छोटी बहन है, एक बार गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया, सब मेरी गलती थी। हाँ, मैं उल्टे सीधे जैसे भी काम करके पैसे कमाता हूँ, सिर्फ अपनी बहन के लिए। उसके सर के पीछे चोट लगी थी, वो हमेशा के लिए बेहोश हो गई। उसको क्या कहते हैं? कोमा। अरे हाँ, तुम्हें तो सब पता है, पिक्चर में ऐसा ही हो। तुम मेरे साथ चले गया, कहीं पे छोड़ना है क्या तुमको? ए, साथ चलने का मतलब तुझे अपने साथ काम करना है। कैसा काम भाई? अरे वही सब जो सुबह से हो रहा है, प्रसाद को पहुंचाने का, जिसके लिए इतना लफड़ा। चेक करके बताता हूँ। क्या चेक करेगा? अरे तू किधर जा रहा है? ये लाएगा? अरे मेरे चेले को तो इधर छोड़ के जा। दास ट्रेवल्स। वही है ना? जी हाँ। कर लिया डिसाइड, काम करेगा ब्रदर? ये घिसने का काम अपने बस का नहीं है, कोई ढंग का काम होगा बता देना, आके कर दूंगा। इसने तो इज्जत का कचरा ही कर दिया। ए, गिल्लिया क्या हो गया? इसने तुझसे क्या पूछा? पूछा कि ये वही दास है जो स्टेशन पे जूता पॉलिश करता था। भाई ये गड्डी पूरी है। हाँ। इस गड्डी में दो नोट कम है भाई। क्या रे, ये सारी दुनिया बेईमानों से भरी हुई है। ये ले, हो गए पूरे। चल बाय बाय, ले रख ले, टाटा बाय बाय। फोन नंबर तो दे, कॉल किधर करूंगा? फोन नंबर? नाम तो बता भाई। पता नहीं इस बार क्या नाम बताएगा ये। कहाँ चली गई वो? मैडम वो रूम में नहीं है। कहाँ छुपी है वो? मेरी गलती के मैंने तुम्हें यहाँ रहने दिया, 2 महीने से किराया नहीं दिया उसने, ऐसा कब तक चलेगा? आते ही मेरे पास भेजो। क्या है, क्या हुआ? कॉकरोच था मैडम। हाँ? एयरपोर्ट पर बैटरी कार चलाने के लिए लेडी ड्राइवर चाहिए, अच्छी सैलरी है, बस लाइसेंस चाहिए होगा। पर गाड़ी चलाना आता है क्या? प्रसाद का दाम 10 लाख। तुम इधर ही बैठो, पूछ के बताता हूँ। ए बॉन्ड, कौन है भाई? मैं दास बोल रहा हूँ। दास? हाँ ब्रदर, बोलो कैसे हो, सब ठीक है ना? एक जीप को पुणे से यहाँ लाएगा क्या? नहीं दास बाबू, मैं काम पे हूँ। अभी कैसे? प्रसाद में मीठा ज्यादा है, किसी और को नहीं पचेगा रे। अरे तूने कहा था ना मेरे साथ काम करेगा तू, अब तू बात से पलट रहा है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट काम है तभी तेरे को फोन किया मैं, अभी अच्छे पैसे दूंगा। पुणे? पुणे में कहाँ पर? समझो काम हो गया। अगर ये गाड़ी चला लोगी ना तो कोई गाड़ी चला लोगी। हाँ। ए भैया जरा इधर आना। हाँ। बैठिए ना, ये नॉर्मल कार जैसी है। कार में गियर कहाँ है, मैं क्या बदलूँगी? इसमें गियर नहीं होता, लेकिन गियर के अलावा आपको सब कुछ मिलेगा, स्टीयरिंग कंट्रोल सब कुछ वैसा ही है। आइए बैठिए ना, डरिए मत, वो एक्सेलरेटर है और ये वो एक्सेलरेटर है ना, ये ऐसे दबाते हैं ना। अरे तेरी तो बाप की सड़क समझ रखी है, चल चल जाना, लेफ्ट दिखा दी राइट है। ए! 7, 8, 9, 10 ओके, अपना काम खलास। गया? ए! आ भाई इधर। ए, माल तैयार है क्या? ब्रदर इधर ही है, छुपा। क्या ब्रदर, इतना कमाते और मुझे क्या दिया?
ये देखो ये फटेला नोट। ओके क्या दास ये कौन है? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। मेरा नया चेला है। नाम क्या है? पता चलते ही बता दूंगा। तेरा क्या है नाम तो बता रे, यू ना हमको स्टाइल देखा, इतना ना हमको कंफ्यूज कर रे, बोल दे तेरे दिल का पता। नाम जो लिया आएगा तूफान, थम जाएगा ये जहां, गुजरो जिधर देखे नजर, चर्चा मेरा हर जगह। कोशिश जितनी भी कर ले बच पाएगा, आऊंगा सामने जब मैं देख के मुझको तू मर जाएगा। अबे नाम तो बता। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। तेरा क्या है नाम तो बता रे, यू ना हमको स्टाइल देखा, इतना ना हमको कंफ्यूज कर रे, बोल दे तेरे दिल का पता। यारों का यार दिल से दिलदार, यारी पे जान है निसार। इनसे ही है मेरी खुशी, बाकी जहां है बेकार। हमसे न तू टकराना, पछताएगा वरना, यारों से जो उलझेगा हो जाएगा तू तो फना। कोहली कोहली विराट कोहली हिट्स अ सिक्स। अभी तो यही थी, तुझे नहीं पता था? मैं मालूम। हम मदर टेरेसा लेडीज हॉस्टल के 40 लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए थे, उनमें से 39 लोग कहीं पर खो गए हैं, पता नहीं कहाँ है, लेकिन मैं सेफ हूँ। तेरा क्या है नाम तो बता रे, को साइन देखा, इतना ना हमको कंफ्यूज कर रे, बोल दे तेरे दिल का पता। चक्कर में जो मेरे पड़े, उंगली पे नाचे मेरे, मुड़ के जिधर देखे नजर, हर बंदा मुझसे डरे। स्पीड है मेरी फाड़, मुझसे नारेस लगाना, दिल की बात सुनू मैं, मर्जी से मैं मनमाना। कमल हासन। तुम्हारा नाम जेम्स बॉन्ड है या बिल गेट्स? इस फोटो में वही लड़की है ना? जी हाँ। तो तुम बिल्कुल नहीं पहचानते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पहचानता। और कॉपीज हैं? हार्ड कॉपीज और सॉफ्ट कॉपीज वो उसे दे दी हैं मैंने। अजय। हाँ सब ठीक है भैया। उसके लिए
तुम्हें कितना चाहिए? जितना आप। ए, उंगली यही है। वो उस लड़की की है। अभी तक भेजी क्यों नहीं? वो एड्रेस अभी मिला ना, एक घंटे पहले काटी थी। उसका बबोल की हाथ भी काट देंगे। ये ले। हेलो दास। हाँ भैया। चुप कर बे, फोन पे बात कर रहा हूँ ना। तेरे मेल आईडी पर एक फोटो भेज रहा हूँ। हाँ भेज दो भैया। उस लड़की की कुंडली निकाल। जैसा पिछली बार कहता वैसे ही ना। यू फर्स्ट कलेक्ट द डिटेल्स दास, जितना कहा है उतना करो। ये फोटो स्कैन करके दास के आईडी पर ईमेल कर दो। तो किसी और ने ये फोटो नहीं देखी है ना? बिल्कुल नहीं देखी सर, सिर्फ आप ही के पास लाया हूँ। अच्छी बात है, अब और किसी को दिखाना भी मत। मैं कुछ समझ। ब्लेड, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उससे मिलवाता हूँ। हाँ जरूर आओ ब्लेड, इनसे मिलो। आपसे मिलकर ये क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। हाँ डार्लिंग, ये जो ऑरेंज पंच है ना, इसमें थोड़ा नींबू डाल के थोड़ा सा नमक मिलाओ ना, तो इसका टेस्ट कमाल का हो जाता है। कभी ट्राई करो। मेल आ गया। आ भी क्या? लड़की की फोटो भेजिए। आज तक स्कूल का एक भी स्टूडेंट टेस्ट में कभी फेल नहीं हुआ। वहाँ बैठो, मास्टर अभी आता होगा। ए, ये फोटो क्यों यहाँ पर फैला कर रखी है? अरे इतनी सारी फोटो। जब भी मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करती हूँ तो एक नई फोटो खिंचवाती हूँ। अच्छा ये बात है। ज्यादा तो नहीं लेकिन इसे 14 बार फेल हुई है। सर इस बार मैं पक्का पास होकर दिखाऊंगी। इस बार बेस्ट स्कूल में आई हो, 100% पास होगी। मुझे पता है सर, मैंने मेरा लकी कलर पहना है। ये कलर पहन के पहले भी फेल हो चुकी हो। ये देखो फोटो। ए तब वो मार्च था, मेरा लकी कलर ग्रीन था। अच्छा छुट्टी। मॉर्निंग बॉस। ये लो, तुम्हारा ड्राइविंग मास्टर आ गया। हेलो सर। हेलो बैठो। हम पहले मिले हैं क्या? वो उस दिन रास्ते पर, याद है? 15 क्लासेस होंगी और 3.5 हज़ार लगेंगे। नाम क्या है तुम्हारा? शकीला। अरे क्यों नहीं हो सकता, लोग मुन्नी चमेले भी रखते हैं। माँ का नाम बबली है। बस करो बॉस। आपको कैसे पता सर? पर बबली नहीं है, पिंकी है, वो जो पैसे वालों की थी। कहाँ बोल रही हो, क्या हुआ? ये लोग छेड़ रहे तुमको। आपका नाम क्या है? जोर, करण जोर। एड्रेस 4/3 भाईदास, 3rd Cross Street, महलपुर, क्रिश्चियन कब्रिस्तान के बगल में एक मदर टेरेसा लेडीज हॉस्टल है, उसी में रहती है भाई। ये पूरी कुंडली ठीक से निकाल के लाया ना? इसके बैकग्राउंड में पुलिस या पॉलिटिशियन तो नहीं है? नहीं है भाई। मतलब अपन ये काम कर सकते हैं? वाओ, अगला शिकार। हाँ, बर्थ मार्क चेक किया तुम लोगों ने? हाँ, दाएं कान के पीछे तेल है। अच्छा तो ये बात है, कूल, दिस इज द राइट गन। हाँ ओ, ओ, बड़ी तेज तर्रार है यार, ले जाओ इसे वहाँ। ये लंगूर कहाँ से ले आया, इतना उछल क्यों रहा है? बॉयफ्रेंड है इसका। भेज दे उसे, ले जा ले जा, चल चल। इनसे कितनी बार कहा एक्स्ट्रा लगेज मत लाया करो, लेकिन क्या है? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या चाहिए इसे? मुझे मारेगा ये? लड़की का मैटर है, आने दे उसे। चाचा उस लड़की का डिटेल मिल गया है, उसका नाम शकीला है, ब्यूटी पार्लर में काम करती है, महलपुर में रहती है, बाप मर गया है, माँ का पता नहीं, 7-8 साल से यहीं पर है। कहाँ? मदर टेरेसा वर्किंग वुमन हॉस्टल में, रूम नंबर 407। ए, और उसका चेहरे पर 401 है, इट्स 401। अरे कोई इस लड़की को चुप कराओ। भाई गलती से जवान फिसल गए, दाढ़ी बनाते हुए उस तरह गलती से खला से। बड़ा काम है ये, तू कर पाएगा कि नहीं? हाँ भाई करूंगा, बिल्कुल करूंगा। लड़की किडनैप करनी है, 23 को लड़की यहाँ होनी चाहिए, याद रहे 23 तारीख, और उसकी कीमत मिलेगी 1 करोड़।
लेकिन okay, लड़की सही सलामत चाहिए। हाँ, फिक्र मत कर भाई, बिल्कुल सही सलामत। बी केयरफुल। कितने सब लोग, हमें हाथ में खतरा लगने वाला है। गुड मॉर्निंग सर। 6 से 8 का मुहूर्त शुभ है, इसीलिए मैं जल्दी आ गई। सदानंद शर्मा, पल्लवी, प्रिया, शाह की। हाँ। बैठो अंदर। जरा संभाल कर। ए, डोंट वरी यार, तुमको नहीं इनको का। क्या हो रहा है? ये गाड़ी तुम चलाने वाली हो, भगवान नहीं। ओके, तो शुरू करें। ये 3 शीशे देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं ट्रायंगल ऑफ ड्राइविंग, गोल्डन। हमारा ध्यान हमेशा इनकी तरफ होना चाहिए। ओके, और ये है ABC ऑफ ड्राइविंग, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। न्यूट्रल पर, न्यूट्रल पर कर लिया। सेफ्टी, सेफ्टी फर्स्ट। सीट बेल्ट लगा लिया। अब एक्सेलरेटर बहुत बहुत स्लो स्लो दबाना है, और फिर एक ही पैर से एक्सेलरेटर और ब्रेक को दबाना है, और इससे पहले कि मास्टर रोके इंडिकेटर, और फिर हाथ देकर रोकने के लिए तेजी से ब्रेक, ओह नो 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 नो, धीरे से ब्रेक दबाना है एंड स्टॉप। थैंक यू। गाड़ी स्टार्ट करें। हैंड ब्रेक हटाना है ना सर? अपना मुंह बंद करो और गाड़ी चालू करो। असल में ना सर, मैं आपकी तरह गाड़ी चलाना चाहती हूँ। वो मैं कब तक सीख जाऊंगी? दूसरों ने भी पैसे दिए, तुम भी चालू रहो। क्या हो रहा है? चुप हो जाइए, हम सब सीखेंगे। क्या हो रहा है? सर इससे पूछो, अगर ये इस तरह से चिल्लाते रहेंगे तो मैं कैसे सीखूंगी? जो स्टूडेंट्स वीक होते हैं उन पर स्पेशल ध्यान देना चाहिए ना। पागल, स्पीड ब्रेकर को भी हॉर्न देती है। सर ने कहा कि बीच में आने वाली चीज को हॉर्न देना चाहिए। मैडम, स्पीड ब्रेकर को कहां सुनाई दे रहा है? देखो बस, मैं किसी गधे को भी ड्राइविंग सिखा सकता हूं, किसको नहीं सिखा सकता। खुद तो चलानी आती नहीं, मुझे सिखाएगा? ऐसा नहीं। अच्छा, गाड़ी सड़क के ऊपर नहीं तेरे ऊपर चलानी चाहिए थी। गलती कर दी मैंने। नाम है करण जौहर, लेकिन है नहीं इसमें एक भी हुनर। इसने तो अपना नाम सुनील का उसकर बताया था। यार मेरे लिए कर रही बहुत अच्छी शक्ल तो देखो, ड्राइवर है कार का की तरह। गधी कहीं की? गधी, अगर गधी ने दुलत्ती मारी ना तो तेरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा। अरे शकीला चल। अगर मैं हूँ गधी तो तू है गधा। पूरे 3500 रुपए दिए हैं। अगर ड्राइविंग नहीं सिखाई तो मैं कोर्ट में जाऊंगी। क्या नहीं सिखाता? कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट जा। ओ, मेरी गाड़ी किधर है? तुम लोग ऊपर क्या देख रहे हो? मेरी गाड़ी ऊपर किसने पार्क की? स्टार्ट किए बिना गियर में गाड़ी डाली, फिर गाड़ी स्टार्ट की तो वहाँ पहुँच गई। फर्स्ट टाइम। अरे ये मेरी कार थी, कोई खिलौना नहीं, जिसे तुम हवाई जहाज समझ कर चला रही थी। अब मैं तुम्हें कोर्ट लेके जाऊंगा। सर बात मत बदलिए, आपने फीस ले रखी है और मुझे लाइसेंस चाहिए। आपने कहा था कि 100% पास हो जाऊंगी। अच्छा ये बात है, ठीक है, मैं RTO से इसके लाइसेंस की भीख मांग लूंगा। बस इसको ड्राइविंग सिखाने को मत बोलना। ओके, ये डील ठीक रहेगी। डील? ओके, कल मिलेंगे। हाँ। अबे नंबर प्लेट क्यों बदल रहा है? भैया गाड़ी का हुलिया बदल दिया इसीलिए। अच्छा, पुलिस ढूंढती रह जाए। अबे ये कार तो मस्त लग रही है, लड़की को इसी कार में किडनैप करेंगे। काम पूरा, लाइफ सेट। क्या चले, नया कोट है? सिर्फ 7,500 में लिया। ए, तू मस्त लग रहा है। आजकल जिम जा रहा हूँ। अच्छा, अरे ये सब बेकार चीज है, चाकू बंदूक चलाना सीख काम आएगा। तू ये क्या लिखता रहता है? हाँ भाई देखो ना, तो जिंदगी में बनना क्या चाहता है? आपसे धंधा चलाना सीख रहा हूँ ताकि बहुत बड़ा गुंडा बन जाऊं। गुंडा बनने के बाद पॉलिटिशियन बनूंगा और उसके बाद फिल्म लाइन में घुसूंगा। एक्टर बनेगा? एक्टर नहीं भाई, प्रोड्यूसर बनूंगा। प्रोड्यूसर? हाँ। ये क्या, कार मैं चलाने वाली हूँ, भगवान नहीं। ए, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर कहाँ जा रही हो? डेट पर, एक ठो लड़का है। हाँ? उस सामने देखो। हाँ, अच्छा है ना? अच्छा चल बाय। हाय।
ये करण जौहर तो अभी भी गुस्से में लग रहा है। गुड मॉर्निंग सर। ये पैसे किस लिए भाई? वो मेरी वाली लड़की के लिए। तुम्हारी वाली? प्यार का चक्कर है क्या? वन साइडेड लव है। वो कैसे? मेरी तो नो है लेकिन उसको मुझसे प्यार है। उससे कहो गाड़ी ठीक से चलाए और लाइसेंस लेकर जाए। अरे वैसे तो वो क्या कहा? आज मंगलवार है ना, आज का दिन उसके लिए शुभ नहीं है। ठीक है, बुधवार को आ जाए, फिर लाइसेंस मिल जाएगा। मनी शंकर सर। हाँ हाँ, आपने सही कहा सर, मैं गाड़ी चला के ही लाइसेंस लूंगी। सीन मत क्रिएट करियो। कौन सा सीन? ये तो बहुत बड़ी नौटंकी है। आप सुनिए सर, मेरी बूढ़ी माँ लोगों के यहाँ कपड़े बर्तन घिस घिस के जीवन चला रही है। इधर मुझे लाइसेंस मिलेगा और उधर मैं नौकरी करूंगी। थोड़े पैसे आएंगे तो शादी के लिए कुछ कपड़े और गहने वगैरह खरीदूंगी। बेचारी लड़की, तुम्हारी कोई सिस्टर भी है क्या? नहीं सर, मैं इकलौती हूँ। मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। वो क्या है ना मनीशंकर सर, मेहनत करने से मैं नहीं डरती हूँ। मैं टेस्ट पास करके ही लाइसेंस लूंगी। बिल्कुल सही, ये लो रखो इसे, इसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए गाड़ी चलाते हैं। बस तुम कार ठीक से चलाना, मैं लाइसेंस दे दूंगा। लाइसेंस तब देगा ना जब बचकर वापस आएगा। गया बेचारा काम से। मुझे क्यों पहना रहे हो? शकीला, आपको मेरा नाम पता है सर? वो पिछले हफ्ते एक एक्सीडेंट हुआ था आरटीओ लेन में, तो वो तो हॉस्पिटल में है सर, रूम नंबर 402। मैंने बुके भेजा है सर। वो बुके नहीं था, टायर पे लिपटे हुए फूल थे, क्योंकि अब वो कभी लौट के नहीं आएगा। देखा शकीला, क्या तुम गाड़ी रिवर्स कर सकती हो? हाँ हाँ सर, वो तो बहुत इजी। गाड़ी बस 5 मीटर नहीं, बस 5 फीट पीछे करके अपना लाइसेंस ले जाओ। ओके सर, ओके। कट लो यहाँ से। अरे रुको, तो नई नौटंकी की तो देख लो। आई एम रेडी। हेलो, हाँ जी। गलती से रिवर्स की जगह फर्स्ट गियर डाल दिया। मनीशंकर सर। हाँ, गनीमत है हेलमेट बच गया। सर कमाल का टैलेंट है लड़की में, अभी अभी उसने लाइसेंस इंस्पेक्टर को अंतिम यात्रा पर रवाना कर दिया। हाँ, मेरे लेफ्ट में एक मदर टेरेसा लेडीज हॉस्टल है और राइट में एक सड़क है। हाँ हाँ, नहीं नहीं वो यही है। हाँ हाँ ठीक है। नहीं नहीं, रास्ता तो पूरा खाली दिख रहा है। यही लड़की है ना? हाँ भाई। भाई ये दिखने में तो एकदम झल्ली है, फिर भी इसके 1 करोड़। अबे अपना काम कर, फल की चिंता कर, बाकी सब छोड़ और मुंह बंद रख, फालतू की बात। हाँ हाँ, एक मिनट होल्ड करना लाइन। हाँ मैडम, ये एड्रेस पता है क्या आपको? दिखाइए। बहुत हम तैयार है। ये कहाँ है? एड्रेस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक और बार बताएंगे? स्ट्रेट गया फिर लेफ्ट। हाँ मैं उसी जगह पे हूँ। हाँ भैया। वेरी गुड मैन। काम ठीक से हुआ ना? बिल्कुल मक्खन के माफिक हुआ। उसे यहाँ कौन ला रहा है? वो बिल्ला है ना जो लास्ट टाइम कलकत्ता से आपका माल लाया। ओके दैट गाय। हाँ तो बिल्ला को मेरा फोन नंबर दे दो, उत्तराखंड में मसूरी है, वहीं भेजना। अच्छा, हर 3 घंटे में एक बार वो मुझे फोन करे। ओके, विदाउट फेल। ठीक है, एट एनी कॉस्ट। हाँ वो पहुँच जाएगी भाई। 23rd भूलना मत। करेक्ट, नहीं तो 24th तुम्हारा आखिरी दिन होगा। क्या हुआ, सांप सो गया क्या? ये कैसी आवाज है? नहीं कुछ नहीं भाई, मैं कार चला रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। ठीक है, बिल्ला का नंबर मुझे SMS करो। ओके भाई। भाई पुलिस से खिड़की के शीशे तो काले हैं, किसी ने देखा नहीं होगा। एक काम कर, इसको और बैक सीट पे डाल, जल्दी कर, जल्दी और पीछे डाल, जल्दी कर। ए, गाड़ी क्यों नहीं रोक रहे थे? तुम सब चुप रहना, मैं बात करता हूँ। ए, शीशा नीचे कर, नीचे कर। हाउ आई हेल्प यू? अरे ये क्या चाबी क्यों ले ली? अरे हेलो हेलो, ट्रैफिक कंट्रोल रूम, ओवर। ट्रैफिक कंट्रोल 722, हमने गाड़ी पकड़ ली है। सर, ये वही गाड़ी है जिसकी हमें तलाश थी। सर, क्या है? वही गाड़ी जो सिग्नल तोड़ के निकली थी,
उसे हमने नंदन गली में पकड़ा है, टो करने के लिए गाड़ी भेज दीजिए। एक तो सिग्नल तोड़ता है, फिर उसके बाद ट्रैफिक वाले से बहस करता है, है? जोक मारा है मैंने। हाँ सर, इतनी सी बात के लिए पीछा कर रहे थे। हम यहाँ कड़ी धूप में ड्यूटी करते हैं और तुम लोग इम्पोर्टेड गाड़ी में एसी चलाकर रूल तोड़ते हो। नहीं सर, इम्पोर्टेड नहीं है, मॉडिफाई की है। किसने बोला आपको? सर, मैं यहाँ के कमिश्नर को जानता हूँ। कमिश्नर का नाम बता। सुन, सीधा कमिश्नर ऑफिस आ जाना, वहाँ पर फाइन भरना और फिर कमिश्नर का नाम जान लेना। चलो चलो गाड़ी उठाओ इसकी। सर उसको छोड़ सर। अरे किसने कहा था मुंह खोलने के लिए? गाड़ी में तो लड़की है। ए, कोई मेरे को फोन दो। अरे भाई टेंशन मत लो। चाली फोन लगा। हाँ बॉन्ड। सुबह सुबह उसका फोन था। किसका? उसी का, शकीला, डॉटर ऑफ पैसे वालों की पिंकी। अब क्या चाहिए उसे? पैसा मांग रही थी। लाइसेंस नहीं हुआ तो उसे पैसे वापस चाहिए। एक नंबर की बेवकूफ। बेवकूफ नहीं है बॉस, बहुत शानी है वो लड़की। सिर्फ अपने मतलब की बात करती है। आप झांसे में मत आना। एक बात बता, तू इस गाड़ी के पीछे क्यों चला रहा है? वो ब्लू कलर की गाड़ी देख रहे हैं? वो क्या उसकी बॉडी पसंद आ गई है मुझे? 5.25 फीट, 9.5 फीट। फर्स्ट फ्लोर से निकलना पड़ेगा। ओके। क्यों मेरे साथ गोल गोल गाड़ी का खेल खेल रहे हो? मैं दिल का मरीज हूँ, कहीं इसके चक्कर में मेरा गेम ना ओवर हो जाए। ब्रदर, कौन कौन? गाड़ी तो फर्स्ट फ्लोर पे है। क्या? फर्स्ट फ्लोर का मतलब? अरे उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो लोग उसको कमिश्नर का ऑफिस लेके जा रहे हैं। कमिश्नर का ऑफिस? करोड़ का माल भी है। कितना दूर है? ओम दोस्त रेस शुरू हुई, रेस 2-3-4 भाग जा तू यार, 4-5-6 उठा रहा हूँ। अबे तू क्या मॉल में शॉपिंग करने जा रहे क्या? इस रूट पे सिग्नल कितने हैं? वन वे ट्रैफिक भी है उस तरफ से और मुझसे पंगा भी लेना, ब्रिज भी तो है। आज फिर ना रोको मुझे, अब ना टोको, टूटा सा मैं तारा, रहका सा अंगारा, लिखूं वो सिकंदर, हारा ना कभी मैं, जीती हर बारी, उल्टी गिनती गिन लेना, मुझसे पंगा फिर लेना। गाड़ी निकाल ली मैंने। अरे बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, मैं जानता था तू कमाल है। ठीक है, गाड़ी को गैरेज में लेकर आ रहा हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, पुलिस को मैंने इधर का पता दिया है। अच्छा बता, अभी तू किस तरफ जा रहा है? किसी स्टेशन के पास हूँ। पुलिस सायरन सुनाई दे रहा है। अकेला पुलिस वाला है। काम खा अपने आपको धूप में पका रहा है। अरे तो वहाँ से आंध्र प्रदेश का हाईवे पकड़ के निकल, अपने को पुलिस का लगना नहीं चाहिए यार। हेलो ब्रदर, तुमने बोला 2 मिनट का काम है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता ऐसे इतने। अरे मैं चड्डी में हूँ भाई, चड्डी में भी हीरो लगता है। अरे क्या येड़ा बन के पेड़ा खिला रहे हो ब्रदर? सारन की आवाज तेज कैसे हो गई? मैं तुझे पकड़ लिया क्या? नहीं ब्रदर, अरे आप बिल्ला को भेजो ना। अभी वो इल्ला बिल्ला को छोड़, पेड़ा को जाना पड़ेगा। मेरी बात तो सुनते नहीं हो। अरे यार डैशबोर्ड में पैसे पड़े हैं, वो निकाल ले। एक तो आप पैसे भी कम देते हो। ज्यादा दूंगा, ज्यादा। ज्यादा कितना? 10? अबे 10 क्या, 15 दूंगा। 15? तू हंस क्यों रहा है? बस मसूरी पहुँच, वहाँ से मिल जाएंगे। मसूरी निकल, किलोमीटर के हिसाब से। ये लड़की तेलुगु में क्यों बोल रही है? ये कौन सी जगह भाई? ये मेरे मालिक की जगह है।
स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है? सीधा बता कौन सी जगह है? रेनी गुंटा। बॉस डिलीवरी देने निकला हूँ, दो दिन में वापस आ जाऊंगा। तुम वो चुराई हुई गाड़ी लेकर जा रहे हो क्या? हाँ, 15,000 देने का वादा किया है इसलिए आ गया। 15,000? उस कार में ऐसा क्या है? टायरों में हीरे स्मगल करते हैं, पर अपने को तो अपना काम करना है। ओए, तुमने ये गाड़ी पुलिस से चुराई है, जरा संभल कर। ओके हीरो, ये 500 में टैंक फुल कर दे। 500 में टैंक फुल? अलीबाग से है क्या? मेरा बैटरी डाउन हो रहा है, रिचार्ज करके फोन करता हूँ। अच्छा, तो 500 के 5 बोला था। हीरो, पीने का पानी का मिलेगा? सामने एक ढाबा है, वहाँ मिलेगा। गर्मा गर्म और मसालेदार खाना भी इधर मिलता है। ठीक है, हवा भी चेक कर लियो टायर की। और कुछ? खाना खा के पैसे दे देना, वरना कपड़े उतार लिए जाएंगे। क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं है क्या? खाना खाना पर गाना नहीं गाना। ओ, अरे खाना खा लो रे, पर गाना कोई ना गाए इधर। ये पागलों की तरह भाग क्यों रहा है? मैडम, हेलो, एक्सक्यूज मी, ओए, ओके, किसी को परवाह ही नहीं है। नाम तो जानते ही होगे मेरा, विक्रम 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 विक्रमादित्य नाम है मेरा। भटक रहा मैं तन्हा, दिल्ली यहाँ बदली कर ये जिंदगी हमें सवर कहा। चल रही है किश्तों में क्यों जिंदगी यहाँ। झूम जा नाच ले, दर्द अपने बांट ले, ना रहे कोई कसर ऐसी खुराक दे। एक भाई देख सारी दुनिया है अनोखी, जिसकी जेब में है पैसा उसकी होती छोकरी, जिसकी लंबी होती कार उसकी होती जय जयकार। क्यों फकीर दिल्ली है तू फिर रहा गली हजार। तुम्हें कुछ गरम चाहिए था ना, खाओ इसे। गरम तो ये है, तीखी मिर्ची कहाँ है? उधर देख भाई। भाई जरा देखो तो, फॉरेन का कार दिख रहा है। फॉरेन का नहीं है बे, मॉडिफाई किए ला है।
जो असेंबल करके सबसे पहले शूट करेगा वो जीतेगा। टाइम स्टार्ट नाउ। इस बार हारेगा तू, जहाँ से भी जाएगा तू, जल्दी कर बच न सके आफत में, ना से बटे अपना बटे बात तेरी हमको लगे। अरे क्या हुआ, लगता है बेहोश हो गई। ओ मैडम, उठो 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 उठो, सुबह हो गई, उठो, आज तो अपनी तकदीर खुल गई है बाप। पहले मैं, अरे भाई पहले मेरा नंबर क्या क्या मिली थी, तुम पैसा और फोन रख लो। अरे भैया जाने दूंगा, पहले मेरे को जान देना। बिल्कुल नहीं, हमेशा तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे दूंगा, अरे बांट के दे दूंगा। अरे क्या दे देगा ये, कहाँ गई ये, ए लड़की कहाँ है, ए पुकारे। बोला था तुमसे, तुमसे ना हो पाएगा, आना जाना है ये बहाना, तेरे जैसों का है ये स्टाइल पुराना, आना जाना राउंड लगाना हुआ हुस्न का मेरे तू दीवाना, कैसे तो मुझे प्यार में फंसाएगा, फंस गया जाल में कैसे तू निकल पाएगा, दरिया मैं हूँ डूब के बार पाना, रानी मैं ना दीवाना, पूरे टाउन में मुझे साना, आना जाना राउंड लगाना, तेरी गली में आने का बस ढूंढे बहाना। जिस कार से बाहर निकली थी भरोसी में गई, मेरी गली में आने का क्यों ढूंढे बहाना, और मुझे कहते हैं मैं पागल हूँ। कहाँ हो तुम भाई, पेट्रोल पंप क्या हूँ। मैंने तो सोचा वो आपकी उतारेंगे, पर आपने तो उनकी उतार दिया। कमाल कर दिया आपको, अच्छा लगा, फिर से जरूर आइएगा सर, बाय। हाँ ठीक है, दोबारा आऊंगा। ये छोटे वो देख भाई, एक ब्लू कार आपकी तरफ आ रही है, उसे रोक लो। ए, तेरी तो भाई वो लड़की इसी गाड़ी में। हेलो जेंटलमैन, एक्सक्यूज मी, जरा एक मिनट। ए गाड़ी को हाथ मत लगा। ए बाबा, अपने एरिया में होशियारी नहीं करने का, मेरे को कह रहा है कल। एक गधी, हाय सर, तू यहाँ क्या कर रही है? बचने के लिए इनसे बचने के लिए भाग रही थी तो आपकी गाड़ी में छिप गई। करण सर, करण सर प्लीज, करण सर। ना बाबा ना, अपनी जिम्मेदारी सिर्फ गाड़ी की है, अगर गाड़ी को हाथ लगाया होता। ए, तुम्हें पता ये आदमी कौन है? हाँ? अगर इसकी सटक गई ना तो इस सबके बजा डालेगा। मैं ए गधी, नीचे उतर। अब चुके दिखा कर रही है, जा चुप कर मनुष्य, कान खोल कर सुन ले। अगर मुझे ले जाना है तो पहले मेरे सर से निपट। हाँ भाई लोग, आप लेके जाओ इसको। ये क्या चल रहा है, इसने खुद ही किडनैप किया और खुद ही छोड़ के जा रहा है। सर, 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 कार से प्लीज बंदूक मत निकालना सर। क्या कर रही है? सर जाने दो, बच्चे हैं। बकवास कर रही है, हिम्मत है तो झुक के दिखा। उधर नीचे, दो तीन चार पाँच। सुनो रे, ये हीरो कह रहा है कि तुम्हारा दस दिन से पहले तुम्हारे एक आदमी को ये जरूर सुला देगा, अब जिसमें दम है सामने। ए, तारीफ। ए, हीरो, मैंने क्या बोला? अब सर हीरो ही बोलेगा तो असिस्टेंट क्या करेगा? अब आप संभालो। अरे हेलो, लो मेरी बात सुनो, मेरे बल्ब के पैसे दे दो, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। सब लोग दस दस रुपए निकालो, मेरे बल्ब का खर्चा पूरा हो जाएगा। ए, रुक ना, सुन मैं बात कर रहा हूँ ना सबसे, रुक ना। अरे क्या कर रहा है भाई, गिनता हूँ, एक दो, ए आगे मत, हीरो समझाना इसको, जान से जाएगा, क्या कर रहा है। अब बोल सर, मैं डायलॉग बोल दूं? आपका फुटा कैसा लगा? मारो रे, <दुण। laughs>
आप एक दूसरे को जानती हो? अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ तो अब मैं समझा। क्या समझे? यही कि आप दोनों के बीच में वो दिख रहा है, दिख रहा है। चला अब मार के दिखा। गिन दस तक, गिन। वन टू। अरे रुक जा, अरे रुक जा, मेरे बात क्या कर रहा है? अरे इतनी बंद कर। फोर। रुक जा, नहीं तेरे साथ झगड़ा नहीं करते, सर शांति से बात करते लो। मैं जितो दादा का मैं चलो मार दिया। अबे ये मसूरी कहाँ है भाई? यहाँ से 3 दिन लगते हैं। 3 दिन लगेंगे? पर अपना बॉन्ड 2 दिन में पहुँचेगा। अच्छा गाड़ी में लड़की है उसको मालूम है क्या? नहीं भाई। अरे तो फोन लगाना उसको। आपके लिए फोन है। हेलो। ए बिल्ला कमीने, कहीं के फोन दास को दे। अरे कौन है? हेलो ए दास, ये क्या हो रहा है? मैंने दूसरा आदमी भेजा ना भाई। किससे पूछ के ड्राइवर बदला तुमने? भाई वो 3 दिन का काम 2 दिन में करेगा। कमाल है, कमाल है। वो नाम बताओ उसका। उसका नाम है जेम्स बॉन्ड। ज्यादा पी ली क्या? अभी नाम क्या है? सुनील गावस्कर है ना भाई? माइकल जैक्सन। नहीं भाई, माइक टाइसन। अरे भाई उसका फोन नंबर दे मुझे। नंबर 9515 डायल करो उस नंबर को। जल्दी फोन लगा उसको। इससे पहले कि भाई फोन कर तू नंबर डायल करना। हाँ मैं दास बोल रहा हूँ। कौन हुआ? इलेक्ट्रिशियन दास? मेरा एक फ्यूज हो गया है। तू जला देगा क्या? अरे वो ड्राइवर के साथ भाग गया। भाग कैसे गया? उसे छोड़ दिया। प्लॉट समझ में नहीं आया? अभी दिमाग खराब मत कर, फोन बंद कर। हेलो ए, अभी ये हो क्या रहा है? हेलो बॉन्ड। हेलो, अब तू कौन बोल रहा है बे? मैं पूरन सिंह बात कर रहा हूँ, तू कौन है? भाई चूरन बुढ़िया में बंद। अरे बेवकूफ, लड़के किधर है? भाई किस भाषा में बोलूं, लड़की भाग गई, चली गई वो, यू अंडरस्टैंड? ये क्या बकवास किया जा रहा है? बंद कर देता हूँ। हेलो हेलो, थोड़ी देर पहले एंगेज आ रहा था, अब स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हो रहा है ये? ये बॉन्ड की तो ए 12 में चल, जल्दी कर, जल्दी कर, चल। मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दास फोन ही उठा रहा है, तुम अभी के अभी निकलो। ठीक है, जल्दी अंदर बैठो। ए बिल्ला, कुछ तो गड़बड़ है, सब संभाल लेना। एक सेकेंड ब्लेड तुम ही जाओ। अजय हाँ भाई, हो जाना चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड में कत्लेआम, 40 लोगों की बर्बर हत्या करने वाली को फांसी। आखिर उन्होंने मुझे क्यों किडनैप किया होगा? देखो मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम्हें साथ लेके नहीं घूम सकता। मेरे पास भी बहुत जरूरी काम पड़े हैं, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। कोई फोन बूथ देखे तो गाड़ी रोक देना, मुझे कॉल करना है। hey, उस लड़की को होश आ गया क्या? हाँ भाई होश आया है, बहुत देर हो गई। भाई वो जेम्स बॉन्ड उसका ड्राइविंग टीचर है। अरे वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ये तो मुझे अब बता रहा है। तू नहीं पता क्या था ना? तेरे को तो मैं निकम्मा, उनके हनीमून के लिए टैंक फुल किया, पैसा भी दिया उनको। अबे मेरा मुंह क्या देख रहा हो, कुछ सोचो तुम लोग। हाँ बिला भाई, उस लड़की को होश आ गया और वो अभी बॉन्ड के साथ ही है। बिला उसको मार दे और लड़की को वहां पहुंचा। अब दोनों काम खत्म करने के बाद मेरे को ये खुशखबरी सुना, समझा? निकल। अरे बाबू, पजेरो 320 की हेडलाइट अपने पास है क्या? देखो जरा। क्या है? बस की टिकट के पैसे। अरे जैक लाना जरा। ए माना मुझे दे पहले। ए भिखारी समझा है क्या? मेरे पैसे वापस करो। तेरा पैसा? कैसा पैसा? गाड़ी सिखाने के लिए दिए थे, लाइसेंस भी नहीं दिलवाया, वही वाले। और ड्राइविंग भी नहीं सिखाई, पूरे 3500 दिए थे, वही वाले पैसे। चलो वापस करो, रिटर्न। पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी, उससे पाला पड़ गया। पता नहीं मैं क्यों आ गई। हेलो हेलो एटीएम, शकीला बोल रही हूँ। अरे कहाँ हो? अरे 4 लोगों ने मुझे किडनैप किया था और मुझे बहुत मारा पीटा।
अच्छा अब तेरा फिर से कोई नाटक शुरू हो गया क्या? गाना क्या चाह रही हो? हाँ फिर से इधर तो भाग रही हो, किराया नहीं दिया है, अभी सब कहानी हम पे नहीं चली। अच्छा सुन, मुझे अभी वापस आने में 2-3 दिन लगेंगे। कहाँ जा रही हो? एक खास काम से मसूरी जा रही हूँ सर के साथ। कौन सा सर? वो ड्राइविंग स्कूल का टीचर जो बकबकिया रहा था। देख सर के लिए ऐसा मत बोल। काहे? प्यार व्यार हो गया का? आ? वैसा कुछ नहीं तो। अच्छा वो सब छोड़, है? मुझे अभी वापस आने में टाइम है इसलिए मेरा इंतजार मत करना। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, फोन रख रही हूँ। अरे सुनो तो। हेलो हेलो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे भाई साहब, बिना हेडलाइट के पहाड़ पर चढ़ना खतरनाक है। मुझे पैसा दो तो नया बल्ब लेके आऊँ। एक मिनट। ओ जल्दी करो। उस गधी को सारे पैसे दे दिए और झगड़ा भी कर लिया उससे। अब एक ही रास्ता है, दोनों एक ही शहर के हैं तो। आप भी मुसीबत में, मैं भी मुसीबत में, वाईफाई चाहिए। ऐसा तो मैं सोच रही थी कि ये पैसे आप रख लीजिए, मुझे ड्राइविंग सिखा दीजिएगा। इसको ड्राइविंग सिखाना मतलब मौत को बुलाना। तो अब साथ चलो ना। ओ क्या है, मुझे बहुत दूर जाना है, जाने में 2-3 दिन लग जाएंगे। तो 2 दिन में ड्राइविंग सीख लूंगी ना, कुछ नहीं होगा। क्या कर रहे हो बेटा? पढ़ाई कर रहा हूँ माँ। अच्छा ये लो खा लो। और इसे कहते हैं निशाना। ये क्या है? ये जो है ये है सेफ्टी लॉक। ये इसे कहते हैं ट्रिगर। क्या ट्रिगर? ये दबाओ तो गोली चलती है और ऐसे लगता है निशाना। निशाना जब यहाँ से नहीं 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 लगाना है निशाना, नहीं, ट्रिगर दबाओ नहीं, निशाना लगाओ। जरा से के लिए चूक गया, एक गोली और बर्बाद हो गई। उन 40 लोगों के साथ इन दोनों को भी खत्म कर देना चाहिए था तो परेशानी दूर हो जाती। इन्हें जड़ से खत्म करना होगा नहीं तो ये फिर पैदा होंगे। भैया ये फोटो। मैं यहाँ पर सोऊंगी? नहीं यहाँ मैं सोऊंगा। तुम ऐसा करो अपने लिए 5-स्टार नहीं 3-स्टार में अपने लिए एक रूम बुक करा लो। चिपकू कहीं की। एक तो मैकेनिक ने सुबह से बल्ब के लिए परेशान कर रखा है, ऊपर से इसके नखरे। साली जेब भी तो खाली है, दिमाग खराब। क्या हुआ? भूख लगी है। अलार्म बजने से भूख लग जाती है? खाने का टाइम हो गया इसलिए अलार्म बजा है। इसकी तो मैं देखो, उन कमीने किडनैपर्स को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। एक लड़की की भूख नहीं मिटा सकते, कैसे आदमी हो? स्क्वीज मी? पेट की नहीं। सिंगल पीस है। वो तुम्हारे काम से नॉर्थ इंडिया गया। उसकी फैमिली में कौन है? चल बता। उसकी माँ, उसका बाप, उसकी कोई बहन तो होगी। भैया ये देखो। क्या हुआ? मुझे लगा भूत है। चुड़ैल कब से भूत से डरने लगी? तुमने कहा था ना तुम्हें भूख लगी है, ये लो। पागल है क्या? नहीं, गिरा दिया ना। बिस्किट भी ठीक तरह नहीं खा सकती वो। ले ठूस। बारिश में कैसे कैसे बचा के लाया, गिरा दिया। गुस्से में तुम्हारी आंखें छोटी हो जाती हैं, प्यारी लगती हैं। मैं तेरे को गाली दे रहा हूँ। मैं तुम्हारी आंखें देख रही थी, गालियों की तरफ ध्यान ही नहीं गया।
क्या चल बे ये क्या बता ते किसकी दवा है बता ये मेरी है तो चल तेरा नाम नंदनी है कौन है नंदनी कौन है तुम 100 साल जियो तुम्हारे बाल बच्चे और छोटे छोटे नाती पोते खूब फले फूले पर तुम अकेले अंधेरे में गए डर नहीं लगा वैसे तुम किसी चीज से नहीं डरते तुम्हारी ड्राइविंग देखकर तो यही लगता है तुम्हारा कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ वैसे अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आदमी डर जाता है पर तुम कुछ अलग एक बार क्या सिर्फ एक बार उस एक्सीडेंट के बाद डर हमेशा के लिए खत्म हो गया भैया मुझे पिकअप करने के लिए आप ये एम्बुलेंस क्यों लेकर आए हो अगली बार टैक्सी या रिक्शा बुला लेना समझी ना तुम्हें पिकअप करो ड्रॉप करो तुमने मुझे फालतू समझा है क्या ए, ये क्या बनाया ग्लव्स है मैंने इन्हें खुद बनाया है अच्छा पहनो पहनो ना अरे वाह गाड़ी चलाते समय आप इन्हें पहन लिया करो थैंक यू किसको मैसेज कर रही हो अरे मैसेज नहीं व्हाट्सएप कर रही हूँ भैया किसको वो सिंगल हड्डी लड़के को आपको कैसे पता चला वो मेरी तस्वीरों को लाइक करता आपने मेरा फेसबुक क्यों देखा ए मैं बड़ा हूँ गधी सब चेक कर सकता हूँ अच्छा मैं गधी हूँ और आप क्या हो मैं सब जो चुप अब मैं छोटी नहीं रही हूँ मैं बड़ी हो गई हूँ मुझे गधी मत बुलाओ अच्छा बस कर सिर्फ एक घंटा बाकी तेरे बर्थडे में भैया मेरा बर्थडे याद था केक खाना विश तो करो ना बाबा ना कोई फोन के सामने धूनी रमा के बैठा होगा ठीक 12 बजे तुझे फोन करने के लिए उसके साथ कंपटीशन अच्छा क्या कहा आपने ये अरे वापस आ जाओ भैया सब मेरी गलती थी और भुगतना पड़ा नंदनी को एक्सक्यूज मी सर आपके कुछ बिल्स पेंडिंग हैं इसे देखो दादी माँ क्यों सर नींद अच्छी आई ना इतना बोलती हो रात को सोने कहाँ दिया तुमने अरे चाबी देखी तुमने कहीं चाबी तुम ड्राइवर हो तुम्हें पता होगा यार तुमने मुझे ड्राइवर कह के बुलाया वन हु ड्राइव्स द कार इज अ ड्राइवर ए चुप कर वो अच्छा नहीं बातों अच्छी क्या कर मर्द ऐसे ही होते हैं खुद घर में कुछ खो देते हैं फिर औरतों से उम्मीद करते हैं कि वो कहीं से खोज कर लाएंगी औरतें ऐसे ही होती हैं रात को गुड़ की तरह मीठी और आँख खुलते करेले की तरह कड़वी ए चल जा नाश्ता कर क्यों भाई मिस्टर एंड मिसेस करण जौहर में झगड़ा कैसे हो गया वो भी इतनी सुबह सुबह कौन है मिस्टर मिसेस करण जौहर वो लड़की बोला आप दोनों है झूठ बोल रही है वो मैं करण जौहर नहीं हूँ मेरा नाम आदित्य है आदित्य चोपड़ा समझा क्या तेरी चाबी मेरी जेब में थी उसकी जेब में डाल देता हूँ दैट्स बेटर ए चलो चाबी दो हमें निकलना देर हो रही है अरे तो कार में जाकर ढूंढो ना मुझसे क्या पूछ रहे हो पहले पॉकेट चेक कर लो अपनी वही होगी कहाँ ना मेरे पास नहीं है बहस करने से तो अच्छा ये होगा पॉकेट चेक कर लो ना अपनी अरे एक मिनट देख दो मुझे एक क्यों कर रहे हो अरे सॉरी मैं तो सिर्फ चाबी ढूंढ रहा था कसम से अरे यार जब देखो हंसू बहाती रहती है इसमें रोने की क्या बात थी
कहाँ गई थी? कहीं नहीं गई थी, यहीं तो थी। तारारों तारारारों हम पे छाई है यही धुन, दिल चाहे तुम चलो मेरे ये हमको जैसी पसंद वैसी है ये दुनिया जो हमको मिली है सुनो ना नहीं उठाना कहाँ से फोन आ रहा है ऐसे नहीं करो पूरन सिंह का फोन भेज दे तरारों हम पे छाई है यही धुन दिल चाहे तुम चलो मेरे संग संग संजीएंगे अकेले अकेले क्यों खा रहे हो हाँ और मुझको गवाह ले क्या करूं तुम निकल पा नहीं है डाल दो अपने आंचल का पांडे चुलबुल पांडे स्वागत नहीं करोगे हमारा क्वालिटी इंस्पेक्टर इसमें रेत क्यों नहीं है ये मैडम जमीन पे क्यों बैठी है चले क्या सब बोलवाना है यहाँ पर अबे कितना हुआ तेरा ये ऐसे कैसे दे रहा है दबंग भी देखी क्या सब साला सिखाना पड़ता है आग नीचे अब ठीक है वापस आकर देख लूंगी ये भोली शरारत बट खटी तेरी आदत मैं चाह के भी ना भूल पाऊंगा जो पल ये साथ बीते थोड़े करते थोड़े मिलते दिल चाह के भी ना भूल पाएगा जिंदगी में यूं आई बन गई है मेरी परछाई जाना ना क्या कॉमेडी करेगी भैया मैंने सारे पर अपने हाथ में लगा दिए वो अब तक शहर में घुसे नहीं है हेलो भाई वो लोग टोल नाका क्रॉस कर गए खाली जेब खाली भूख भी लगी मुझे भी अब हम क्या करेंगे करण सर हुड है रॉबिन हुड हमें जो चाहिए वो हम ले लेते हैं यूमी चोरी करेंगे पंछी सा उड़ के उन बादलों पे चढ़ के जी भर के जी लो जिंदगी पंछियों से उड़ जा जा बादलों पे चढ़ जा ना पल के भिगो ना कभी नैनों से नीर बहाना जिंदगी है आना जाना रोना ना ऐसे कभी तारारों तारारारों हम पे छाई है दिल चाहे तुम जा सारी गाड़ियां चेक कर रहे हैं अब क्या होगा सभी सारे जिएंगे हमको जैसी पसंद वैसी है ये दुनिया जो हमको मिली है सुनो ना तुम्हारा बच्चा पेट में लात मार रहा है रही है पिज़्ज़ा का बच्चा वही छोड़ दिया है बच्चा पालने में झुलाना सच्ची सच्ची कर एक्सक्यूज मी हेलो मुझे इस कार के बारे में डिटेल्स चाहिए थैंक यू वेरी मच भैया डिटेल्स मिल गई हैं यस टोल नंबर 69 से सुबह 10 बजे वो गाड़ी क्रॉस हुई है एक सेकंड भैया एक सेकंड ये तुम्हारे हाथ में क्या है सब 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 एक मिनट बात करते हैं रुक जाइए कोई बात नहीं छोटी सी बात है आई तो मैं आपको समझाता हूँ भैया टोल नंबर 69 से निकले उस गाड़ी को 4 घंटे हो चुके हैं अभी उसने टोल नंबर 70 क्रॉस नहीं किया है तो वो हमारे दायरे में ही है दोनों टोल पर हमारे आदमी है वो जल्दी पकड़ में आ जाएंगे
दस गिनने से पहले रिसेप्शन पे पहुंचना मंजूर? आ गए। तुम दस की गिनती से पहले काम खत्म कर लेते हो? तभी तो। क्या चाहिए? रूम। नाम? खान। क्या? बस भाई, माय नेम इज खान। इस काम के लिए वैसे भी कोई असली नाम नहीं बताता। दो आदमी, ओनली एक चाबी। हाँ, हम दो है तो रूम अलग अलग होगा। पता नहीं क्या चाहते। ये लो। थैंक यू। यही सोगी क्या? हाँ? कैसा आदमी है ये? एक जवान लड़की उसके साथ है लेकिन वो मुझे खास ही नहीं डालता। सो इंसल्टिंग। हाँ? अभी खबर लेती हूँ। हाँ? मेम साहब पानी चाहिए? चलता हूँ। कितने चैन से सो रहा है। छोरी में पैसा नहीं फिर भी अपना रूम चाहिए। ए, अभी तुम्हारे पास है ना? क्या मैं ले सकता हूँ? कसम से इस बार छूंगा नहीं। अपना हाथ हटाओ, थोड़ा हो, थोड़ा बस। नहीं नहीं बोला ना बस। सॉरी सॉरी सॉरी। तेरी तो सॉरी की बच्ची। इधर भागी की कहाँ? आज तो तू गई काम से, मैच से ही सीधी होगी। भैया, टोल नंबर 69 से टोल नंबर 70 के बीच टोटल 26 होटल पड़ते हैं और मैं 20 होटल चेक कर चुका हूँ। अब चेक करने के लिए 6 होटल बचे हैं, जैसे अरुणा निवास, डॉल्फिन इन, होटल क्रिस्टल और नवी निवास। तो अभी मैं उन्हें चेक करने जा रहा हूँ और दोनों ही टोल पर हमारे आदमी हैं। अगर वो टोल क्रॉस करेंगे तो हमें फौरन खबर मिल जाएगी। ठीक है, मैं कल मसूरी में रहूंगा, फिर इन दोनों लड़कियों की डील खत्म कर देते हैं। कौन बोला तुमको अंधेरे में घूमने को? चुपचाप सो नहीं सकती? मैं फिसल गई थी, मैं क्या करूं? उतरो। चलो आंख बंद करो। मुझे डर लगता है, यहीं पर सो जाओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है, उधर सोफे पे सो जाता हूँ, यहीं पर। आप खुश? प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है, चल खिसक खिसक थोड़ा और। थैंक्स। किसके लिए? फॉर एवरीथिंग। ये अलार्म बजा तो उठो मत, यहीं पर लेटे रहो। ये साला सो जाओ तेरा। कमाल की एंटीक पीस है, खाने के लिए अलार्म लगाती है। माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद होगा ना तेरे को? मैं एक बात बताऊं, मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। क्या? जब मैं छोटी थी तब वो लोग गुजर गए और तब से मैं हॉस्टल में रहकर पली बढ़ी हूँ। जानते हो ये अलार्म क्यों बजता है? हॉस्टल में एक फिक्स टाइम पर खाना मिलता है, अगर टाइम पर नहीं पहुंचे तो खाना नहीं मिलता, और उसके बाद खाना मांगा तो वार्डन की छड़ी खाओ। मैंने बहुत मार खाई है, इसीलिए ये अलार्म बजता है, और अब तो इसकी आदत सी पड़ गई है। इतनी बड़ी दुनिया है पर एक भी अपना नहीं जो पूछे कैसी हो, सब ठीक तो है, खाना खाया? अकेलापन अब अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए ये दो दिन मेरी जिंदगी के अब तक के हसीन पलों में से है, जिसमें मैं बहुत खुश रही हूँ। तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए? उम्र में एक ही तो है। गुड नाइट। क्या मैं छोटी बच्ची हूं? गुड नाइट।
वो दिन आ ही गया। सर तो चले गए हैं, आपको ये चिट्ठी देने के लिए कहा। हाय, ये कार मुझे यहीं डिलीवर करनी थी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैडम कल सुबह आप चेन्नई वापस जा रही हैं। क्यों? ए, मैं यहाँ कहाँ पे आया हूँ रे? तुम्हें कल वापस जाना होगा। पता नहीं जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ क्या हो, इसलिए तुम्हें अपने साथ ले जाना ठीक नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ चलूंगी। हे भगवान, तुम मेरी बात नहीं मानोगी, इसलिए चुपके से चला आया। तुम्हारे लिए वापसी की टिकट छोड़े जा रहा हूँ, काम खत्म होते ही तुमसे मिलने आऊंगा। सॉरी एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। संभल के। मुझसे जुदा बस इतनी इल्तिजा, तुझसे ही है जिंदगी जीने की, तू ही है वजह। तुझसे ही मिलती है गम को राहत, तेरी बाहों में है मेरी जन्नत। जाना ना, तुम्हारा बच्चा पेट में लात मार रहा है। बिल्ला, ये तू यहाँ क्या कर रहा है? ए, ये मारा क्यों मुझे? लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? तो लड़की ही प्रसाद थी, तो तूने बताया क्यों नहीं मुझे? कैसे बताते? अब वो लड़की कहाँ है? अपने कमरे में। भाई वो मिल गया, मेरे साथ ही है। मारा कि नहीं उसको? नहीं भाई। क्यों? उसका फोन खो गया है। अभी किधर है वो? यहीं पे मसूरी में। अगर उसे हमें धोखा ही देना होता तो वो मसूरी क्यों आता? चाहता तो वहीं से वापस नहीं लौट जाता। अरे हाँ रे, जरा फोन दे उसको। भाई बात कर। हाँ बॉन्ड, अरे तूने फोन नहीं उठाया, मैं टेंशन में आ गया। अरे फोन गुम गया था और मुझे नंबर किसी के भी याद नहीं। यहाँ पे पेशेंट है, चुप, डिस्टर्ब मत करो। बॉन्ड, अरे ये तो स्टार होटल की तरह है। जरा वो आई ड्रॉप्स देना। चुप, दास, इसको खाना कैसे खिलाती हो? ट्यूब से, दिन में दो बार। ए, दास, लगता है मेरे को ही देख रही है, एकदम गुड़िया जैसी है ना। ए, हेलो सिस्टर, कौन है ये लोग? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? आप लोगों को अंदर किसने आने दिया? ये हो क्या रहा है? सिस्टर क्या हो रहा है ये? कट कट नहीं, अपना मुंह बंद कर और चुपचाप काम कर, समझा? मेरे साथ हीरोगिरी किया ना तो खलास। अरे हाँ बॉन्ड, ए टेंशन मत ले, देख काम ठीक से किया तो तेरी बहन मेरी बहन रे। क्या ना, 25 साल की मेहनत के बाद मैंने अपनी ये पोजीशन बनाई है और तेरी वजह से मैं इस पार्टी को हाथ से नहीं जाने दूंगा। दास को फोन दो। भाई पुरन सिंह का फोन। भैया दास कमीने, कहीं के किधर है तू? भैया मैं इधर ही हूँ, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था ना, मैंने कई बार ट्राई किया पर फोन लगा ही नहीं आपका। वो ड्राइवर किधर है? रास्ते में ही है। सच में टेंशन की बात हो रही है ना? अरे भैया मैं इधर हूँ तो क्या टेंशन होगी, प्रसाद थोड़ी देर में आपके पास पहुँच जाएगा, घबराइए मत। मैं मसूरी में पहुँच गया हूँ, उसे मॉनेस्ट्री में भेज दो। हाँ बॉन्ड, देख मुझे पता कि तू तो अच्छा पर भूलक बहुत खतरनाक है। अरे प्रसाद उनको देने का, अपना पैसा लेने का, बस इतना ही तो करना है। चल जा फटाफट काम खत्म कर, जल्दी कर। अब ये काम कर, उसको एक फोन दे और नोट का बंडल दे। बॉन्ड ज्यादा मत सोच। ये चेन्नई के लिए बस कहां से जाती है? वो तो अभी भी गई। हे, एक्सक्यूज मी, ए
वापस की बात। शकीला कुछ मत बोलो। ठीक है। तुझसे ही अब तो कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना? प्रॉमिस? तू ही है वजह, तुझसे ही। अगर अब प्रॉमिस तोड़ोगे तो खुद ही फंसोगे। अपने सर की कसम खाइए। जब तक मैं न कहूं बाहर मत आना। मिस्टर बॉन्ड, दास ने भेजा है ना? क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हें ये लड़की क्यों चाहिए? अगर मैं अपनी गाड़ी वापस घुमा लेता तो तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाते। मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम लोगों ने मुझे एक काम सौंपा था और मैंने वो काम पूरा किया। उसके पैसे भी मुझे मिल गए। डील खत्म। और अब मैं तुम्हें एक डील देता हूं, ये पैसे और एक्स्ट्रा। वो लड़की मुझे चाहिए। कल तुम उसे हाथ लगाते तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता, मगर आज खत्म कर दूंगा। शर्ट दो अपना जल्दी। ये क्या हो रहा है? चले जाओ डरपोक कहीं के। जा 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 कमीना, मैं अकेला ही काफी हूँ। Yeah.
This movie is encoded by Dr. Star. स्मार्ट हो ए, ए, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ए, ए, क्या कर रहे हो? नम यो रिंगे क्यों नम यो रिंगे क्यों नम यो रिंगे क्यों कहाँ जा रहा है? नम यो शतरंज के बिसात बिछ गई है, क्या सोचता है तू? मुझे मारकर क्या तू जीत गया? दास की तरह मैं भी एक प्यादा हूँ। राजा कहीं और है, ये पैसे के बाजी नहीं, यहाँ जान दांव पर लगी है। रानी की जान जिस राजा के पास जाना है, दुर्गा घाट। और जानते हो वो लड़की किसे चाहिए? हे, उधर है वो दक्षा भाई। वो भाग रहा है। भागने दे, निशाना वहां मत लगाओ जहां वो है, वहां लगाओ जहां वो पहुंचेगा। उसे जाने दे, वो लोग कहां पहुंचे? भाई पूरन सिंह से बात हुई थी, वो अभी पहुंचते होंगे। बात किए हुए आधा घंटा हो गया, फोन लगाओ। भैया रिंग जा रही है। कैसे शर्मा रही है। हाँ, पहली बार जो आई है। चलो अंदर आओ बेटा। सोचा था खूब धुलाई होगी, पर यहाँ तो खूब दूध मलाई मिल रही है। ए, लड़की पूरन सिंह ला रहा था, तू बीच में कहाँ से आया? हाँ, पूरन सिंह आपका आदमी था? किसी ने बताया नहीं, उसे लड़की को हाथ लगाया, मैंने मार दिया, बात खत्म। भाई आपने मुझे 15 ऑफर किए तो पूरन सिंह को तो ज्यादा ही ऑफर किए होंगे, तो आप सारे पैसे मुझे क्यों नहीं दे देते? आखिर लड़की को हिफाजत से मैं ही लाया हूँ ना, क्यों? वो लड़की यहाँ किस लिए लाई गई है तुम जानते हो? जानने की जरूरत भी नहीं है, मुझे अपने पैसे से मतलब है बस। दास के साथ कब से काम कर रहे हो? यही कोई 6। हाँ दास वही है। हेलो, अबे तूने भाई को मार दिया पूरन सिंह को? हाँ भाई मैं एकदम जकास हूँ, भाभी कैसी है? ए, तू मेरी नकल उतार रहा है क्या? देख मेरी बात सुन, लगता है तेरे पैसे मेरे पास है। अरे वो पूरन सिंह को मार के तू लड़की को लेकर भाग जाएगा? अबे वो दक्षा भाई की डिलीवरी है। हाँ भाई सामने बैठे ना। बोन देख उसको, ये लो भाई बात करो। हाँ दास, हाँ भाई, तुमने टाइम पे लड़की पहुँचाई है, गुड। पहुँच गई,
लड़की पहुंच गई क्या? अच्छा सुनो, मैं वो पैसे भेज रहा हूँ, अपने आदमी से ले ले। ठीक है, ले लूंगा, ले लूंगा। अच्छा भाई, वो ना कौन से बात करा दूं? हाँ ब्रदर। ए बॉन्ड, तू वहाँ क्या कर रहा है? हाँ, मौसम कैसा है वहाँ? हाँ बेटा, यहाँ तो गर्मी है, पर तू वहाँ आग के बीच में है। एक बार जो अंदर गया वो वापस लौट के नहीं आता, समझा क्या? सच में सुपर ब्रदर। मैं तुझे मजाक लग रहा क्या? इन्होंने लड़की को हिंदुस्तान के एक कोने से उठवाकर दूसरे कोने तक मंगवाया है। जब तक मैं ये नहीं जान लेता कि ऐसा क्यों किया, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। ए, मेरी बात सुन, जितना बोला बस उतना कर। अब तक तू मेरा GPS बना हुआ था, जहाँ चाह रहा था घुमा रहा था। अब मैं ड्राइविंग सीट पे और तू बैक सीट पे। भाई उससे पूछो ना, मेरा इम्पोर्टेड जैकेट मिला क्या? अच्छा अब बता, तेरी बहन के साथ क्या करना है? बहन? तू क्या धमका रहा है मुझे? खाली तेरे जैसे तो मेरी बहन को हाथ भी नहीं लगा सकते। You don't worry. Thank you, doctor. मैं संभाल लूंगा, मैंने उसे शिफ्ट कर दिया है। मछली भी गायब? सुन कालिए, शहर में 216 अस्पताल हैं। जा ढूंढ कर दिखा मेरी बहन को। अबे कालिए, जो इंसान अपनी बहन के लिए एक मिनट में अपनी जान दे सकता है, वो दूसरे की जान भी ले सकता है, और सिर्फ 10 सेकंड में। हाथ लगा के दिखा उसे। अबे ओए, जल्दी आ। हाँ हाँ ब्रदर, मैं सब देख लूंगा। भाई इम्पोर्टेड है, 7,500 की है, पूछो ना। टॉक टाइम खत्म हो गया। इस हिसाब से तो किडनैपिंग के बारे में उसे पता भी नहीं है। उसके हिसाब से तो मैं गाड़ी छोड़ने आया हूँ यहाँ तक। एक मिनट को दिखाता हूँ। ओए, ये इन कपड़ों में कितनी अच्छी लग रही है। क्या? हम लोग निकल रहे हैं। देखा? अच्छा तो मैं निकलता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ आना चाहेगी। अब आप लोगों की तैयारी देखकर तो लगता है कि आप लोग चाहेंगे सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। आप लोग से जो चाहे करो बॉस, अपने को क्या लेना देना है। लेकिन अगर मैं साथ रहूंगा ना तो काम आसान हो जाएगा आपका। लेकिन बॉस मैं रुकूंगा कैसे? कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। आप मुझे 1,00,000 रुपए रोज का दे दो, 2 दिन में आपका काम निपट। हमको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। चुप। अरे मेरे भाई, तो हम चले? हाँ चलते, हमारा काम हो गया, गाड़ी हमने छोड़ दी, बस अब सर पेमेंट करने ही वाले हैं, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। तुम दोनों अब हमारे गेस्ट हो। हमारे यहाँ एक फेस्टिवल होने वाला है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, देखकर चले जाना। मैं रवि। हाँ भैया। इन्हें अपने कमरे दिखा दो। जी। इन सांडों को इससे चाहिए क्या? रेयर ब्लड ग्रुप की होगी, या फिर इसका कोई पुर्जा भेजने के चक्कर में। क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पास दिमाग है ना? चांस ही नहीं है। तुम्हारी क्या राजयोग की कुंडली है? कहीं तुमसे शादी करने वाला कोई CM, PM, VM वगैरह तो नहीं बनेगा, ऐसा कुछ है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अच्छा तो ये भी नहीं है, तो फिर क्या चक्कर है? ए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तुम क्या हर चीज 15 मिनट में भूल जाती हो लेडी गज? नहीं। अच्छा, और उसके बाद तुम्हारी डील हो गई? कब की? चेन्नई से यहाँ कार पहुँचाने के 1 करोड़। तो ये सिर्फ कार के तो नहीं हो सकते, कहीं कोई और बात तो नहीं है? ये बात मुझे पूछनी नहीं चाहिए, फिर भी बता दो। कल तक तो मेरे कुछ नहीं थे, लेकिन आज सब कुछ हो। क्या मुझे किस करोगे? रुके क्यों हो? माथे पे टीका लगा हुआ है, कैसे किस करूं? तुम पूरी रात यहाँ सोए थे? हमारे बीच में कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम पहले यहाँ कभी आई हो? कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में। चेन्नई के नॉर्थ तक तो कभी गई नहीं। तो फिर क्या हो सकता है? शायद क्या हुआ? अब यहाँ आओ, तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। हमेशा जल्दी में रहते हो, इसलिए नहीं दे पाई। अच्छा लग रहा है। दूध वाला लग रहा हूँ क्या? आओ भाई, हमारे मेहमान, आओ नीचे आओ, हमारे साथ खाना वाना खाओ। आ जाओ आ जाओ। रवि कहाँ? वो आ रहा है भैया, सबको बुला लो।
शायद यहाँ का खास पहनावा है। लगता है खानदानी पहनावा है। आपकी माँ है? ये मेरी दादी है। कितने साल की है? 96, 97। हाँ, इन्हें देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता। मैं इन्हें खिलाऊं? हाँ क्यों, हमारी परंपरा में औरत देवी होती है, दादी ही नेता है, यही हमारी मार्गदर्शक है। हमारा वंश रानी थेनी वंश कहलाता है। दो पीढ़ियों से दादी हमारी सरदार है। तुम्हारी दादी के बाद तुम्हारी फैमिली में सब लड़के ही हैं? इस परिवार में एक लड़की भी थी पर अब नहीं रही। खुशबू भी उसी की लग रही है। ये मेरे बारे में कुछ कह रही है? नहीं, ये किसी और की बात कर रही है। एक मिनट आता हूँ। काम हो गया ना? परोल रिजेक्ट हो गया। तूने सुना नहीं क्या? जल्दी। सॉरी। ओ, सब्जी। क्या स्वाद है। खाने के बीच में डिस्टर्ब करना मुझे नहीं अच्छा लगता। ओके, सीक्रेट टॉक्स करना चाहते हो? एन मौके पर बता रहे हो कि परोल नहीं होगी? इडियट। महीनों से प्लान बना रहे हैं हम, इस परोल की अहमियत समझते हो? फांसी के अपराधी को ऐसे परोल नहीं मिलती। मैं कुछ नहीं जानता, जाओ कुछ भी करो, जब तक ये लड़की यहाँ है जेल तोड़ो और मेरी बहन को लाओ। हाँ सही कहा। कोई तो तरीका होगा ना अंकल, हमें और कोशिश करनी चाहिए। हमने परोल के लिए जो वजह रखी थी उसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा सुनो। जी। परोल के लिए फिर से अप्लाई करो, इस बार तुम्हें ठोस वजह मिलेगी। सुनो, तुम्हारी मांगी हुई सारी डिटेल मिल गई है। उत्तराखंड में दो जातियों में खूनी टकराव है। जिलाधिकारी के पास नीची जाति वालों ने अपने बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने की अर्जी दी थी। इस बात से ऊंची जात वाले ना खुश थे और बदले की भावना से उन लोगों ने 40 लोगों को मार डाला। क्या हुआ बेटा? परोल रिजेक्ट हो गई। फांसी की सजा याफ्ता मेरी बहन को त्योहार मनाने के लिए परोल पर छोड़ने की हमारी अर्जी कोर्ट ने नामंजूर कर दी। इस बार परोल के लिए क्या वजह दी है? ये कब हुआ? सुबह। हाँ, परोल मिल गई है, 2 घंटे लगेंगे पहुंचने में, मैं जेल में ही। दादी, आपके बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? 2 पीढ़ियों के बाद तो हमारे खानदान में एक बेटी पैदा हुई थी जो सलाखों के बीच है, सिर्फ इसलिए कि वो खानदान की शान बचाए रखना चाहती थी। इन सारी हत्याओं के पीछे एक औरत थी, नाम है दादी। आखिरी उम्मीद है, खा लीजिए। हाँ,
मुझे तो लगा था फिर तुम यही कहोगे कि इस बार भी पैरोल नहीं मिली, फिर कैसे मिल गई? आपकी दादी माँ क्या हुआ दादी माँ को? वो स्वर्ग से धार गई। वो आज तक तो व्हील चेयर से बंधी हुई थी, अब फोटो बनकर दीवार पर लटकेंगी। लेकिन तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारी माँ तो नहीं थी? तुम किसी को हाथ नहीं लगाओगे, ये मेरी शिकायत है। दादी को खाना खाने के बाद बाहर ले जाएंगे। दादी आपको क्या हुआ? दादी दादी क्या हुआ? दादी 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 ए रुक रुक ए ए ए तुमने क्या है? तुमने मारा मेरी दादी को, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ए तुमने क्या है? तुमने क्या है? जिसको शहर भर में ढूंढ रहा था वो तो उसी हॉस्पिटल के ऊपर के फ्लोर पर मिली। बस आप एक आवाज करो, हॉस्पिटल हमारे कब्जे में है। अंकल ये बताइए वो पैरोल पर कितनी देर के लिए छूटेगी? 4 घंटे के लिए। ओके। तो पुलिस हमारी बहन को जेल से एक ट्रेन में सीधे श्मशान पर ले आएगी। ट्रेन में कितने सिपाही होंगे? तकरीबन 30 लोग। तो अंतिम संस्कार के इन्हीं 4 घंटों में हमें अपनी बहन को बचाने की कोशिश करनी होगी। हाँ, उस लड़की का पासपोर्ट तैयार है, अब आगे जब मामला ठंडा पड़ जाए तो इस लड़की के पासपोर्ट पर हमारी बहन फॉरेन चली जाएगी। तुम सब तैयार रहो। ए, तू भी समझ गया ना? कैसा लगा मेरा प्लान जेम्स बॉन्ड? छह महीनों से छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ते हुए हम यहां तक पहुंचे और तू इसे बर्बाद कर देगा? हाँ, तेरे इन हथकंडों के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। इसके बावजूद तूने एक काम ठीक किया, लड़की को टाइम पर यहां ले आया। शायद इसीलिए हम तुझे छोड़ रहे हैं। जा। चल। एक सेकंड। लड़की को पटाने के तूने कुछ पैसे मांगे थे, कितने पैसे? दिन के 1 लाख रुपए, राइट? ये है इसका असली रूप। तुमने ये पैसों के लिए किया? कहा था ना मैंने। एक मिनट, ए, तुम मुझे बताओ तो इसका मतलब तुम कार देने नहीं आए थे? पहले बोल देते ना, मेरा तो कोई नहीं है,
ना माँ है ना बाप है जो मेरे लिए रोए, तुम्हें एक मिले थे, मैंने उसे भी खो दिया। कोई बात नहीं, बताओ कहाँ जाना है। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हो, पर तुम ये नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए मर भी सकती हूँ। मुझे एक फोन करना है। लगता है आखिरी इच्छा। ये लो। डॉक्टर। हेलो, मैं नंदनी का भाई बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। इफ यू डोंट माइंड, मेरी उससे बात करा सकते हैं? मैं अपनी बहन से बात करना चाहता हूँ। फोन उसके पास लेकर जाइए प्लीज। हेलो, नंदिनी से बात करो। हाय, कैसी है नंदिनी? मैं तो तेरे पास बहुत जल्दी आने वाला था, लेकिन यहाँ सब उल्टा सीधा हो गया। ए, तुझे मालूम है आगरे का ताजमहल शाम को बहुत खूबसूरत लगता है ना, तो मैं तुझे वहां लेकर जाऊंगा, खुश हो जाएगी तू। वो भी बहुत खुश हो गई थी। शकी, बिल्कुल तेरी तरह है वो, तेरी ही तरह उसका भी मेरे सिवा कोई नहीं है। तेरे को पता है रास्ते में बाइक एक्सीडेंट में 2 लोग मारे गए। बहुत डिस्टर्ब हो गई थी वो, और आज वो खुद मरने जा रही है। किसके लिए? मेरे लिए। जा रहा हूं उस लड़की को बचाने के लिए। मैं जानता हूं एक दिन तुझे होश जरूर आएगा, और जिस दिन तुझे होश आएगा ना नंदिनी, मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा, और वो मेरे ही साथ खड़ी होगी, और मैं तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। लेकिन जब तुझे होश आए और मैं तेरे सामने ना रहूं, तो समझ लेना तेरा भाई उस लड़की की जान बचाने में नाकाम हो गया। शमशान घाट यहां से कितना दूर है? Oh, my God.
आप ले जा सकते हैं। पुलिस की गोली से मारी जानी चाहिए, अगर वो ना मार पाए तो तू उड़ा देना। ए, भाग जाओ। कांच की भरने की कोशिश कर रही है। Don't shoot! वो मैं जिंदा चाहिए। बॉस, बॉस, मैंने आपके खानदान की विरासत को बचा लिया है। अब गांव वाले पीछे पड़े हैं, आप भी निपटो इनसे। को ले जाओ, छोड़ो, घर के अंदर जाओ। अगर गांव वालों ने तुम्हें देख लिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। जल्दी जाओ। मैंने कहा था हम यहाँ वापस क्यों आ गए? क्या कर रहे हो तुम? हम यहाँ से भाग नहीं सकते, ये खेल यहीं खत्म करना होगा। दीदी रुको, सही रुको, मेरी बात सुनो। दादी की कुर्बानी बेकार चली जाएगी, हमारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Thank you.
ने कहा था कि तेरी शक्ल मुझसे मिलती जुलती है। हाँ हाँ, तू तो भद्दी है। गंदे मुझे रात की पुलिस से बच के भाग रही थी, तूने उसे रोकना चाहा और मरते मरते तूने भी उसे मार दिया। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। क्यों, कोई मुहूर्त देख के रखा है क्या? हाँ कितना टाइम चाहिए? 10 सेकंड। अरे तूने तो कमाल किया। रिवर्स गए तो ऐसे डालते हैं, लेकिन मैंने कुछ सही बात मैंने क्या गलती कर दी? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या गलती की। गलती हाँ, तेरी गलती की वजह से तेरी जान बच गई। चल उतर। अब लाइसेंस मिलेगा? लाइसेंस? लाइसेंस गाड़ी चलाने का मिलता है, गाड़ी ठोकने का नहीं। चलिए गाड़ी तेरी, साथ में मैं भी। जितने भी दांत निकाल ले, गाड़ी चलाने को नहीं मिलेगा। चलो उधर बैठ। तू बैलगाड़ी चला, ब्रेक और गियर का टंटा ही नहीं है। कि तुम्हारा असली नाम क्या है? हाँ अच्छा जी,
ये कैसा नाम है? लाइसेंस दिखाओ मेरा। नहीं 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 नहीं, कभी ना कभी तो देखना पड़ेगा। क्या है नाम तो बता रे, यूं ना हमको स्टाइलर देखा, इतना ना हमको कंफ्यूज कर रे, बोल दे तेरे दिल का पता। नाम जो लिया आएगा तूफान, थम जाएगा ये जहां। गुजरू जिधर देखे नजर, चर्चा मेरा हर जगह। कोशिश जितनी भी कर लेना, हमसे तू बच पाएगा। आऊंगा सामने जब मैं, देख के मुझको तू मर जाएगा। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड।